उत्तर प्रदेश में प्रकृति का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। फिर एक बार उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में तेज आंधी ने एक मजदूर की जान ले ली और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना थाना नसीरपुर के गांव नाने माऊ की है, जहां मकान के लेंटर के जाल को बांध रहे मजदूर की तेज आंधी की वजह से मौत हो गई और वही मजदूर के साथ 3 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर के गांव नाने माऊ में रामप्रसाद के घर में लेंटर डालने का कार्य चल रहा था, जिसमें लोहे का जाल तथा शटरिंग लगाई जा रही थी। उसी समय अचानक तीव्र गति से आंधी आ गई, जिसके कारण इस लेंटर पर काम कर रहे मजदूर को बचने का मौका ही नहीं मिला। आंधी के गुबार में ऐसा उड़े कि मजदूर पप्पू की मौके पर ही मौत हो गई। 3 मजदूर बच्चीलाल, कुंवरपाल, संजय गंभीर रूप से घायल हो गए। खड़े अपने यहाँ पे खेत पे, तो एकदम आंधी का इतना तेज झोंका आया कि हमने देखा तो 3-4 लोग ऊपर से इतनी जोर से गिरे नीचे आके, एक उसमें एक्सपायर हो गया। चाचा बोल रहे थे कि मतलब नीचे आ जाओ सब लोग, इतनी देर में मतलब सब क्या कर रहे थे। ऊपर काम चल रहा था मकान का, मकान जाल बांध रहे थे ये लोग, मिस्त्री वगैरह ये लोग थे। मैं नीचे खड़ा था इधर साइड में, तब तक मतलब हवा आई तेज और ये सब लोग नीचे गिर पड़े। वही लेंटर गिरने की खबर से गांव के लोग मौके पर ही पहुंच गए और घायलों को तत्काल ट्रामा सेंटर में ले आए। जैसे ही आंधी में हुई इस घटना की अधिकारियों को जानकारी हुई, अधिकारी तत्काल ही मौके पर दौड़ पड़े तथा पीड़ितों को सांत्वना दिए। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि इन्हें सरकार की मदद जल्द से जल्द ही दी जाएगी। फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ कि हमारे शिव साहब भी हैं, हम सभी लोग यहाँ पर हैं। लगभग 2:30 बजे दिन में जो है बहुत तेज एकाएक आंधी आई जी, और उस समय जो है यहाँ पर एक मकान के लिंटर की तैयारी हो रही थी, उसके लिए जो है लोग जाली वगैरह बना रहे थे। उस पर 4 लोग काम कर रहे थे, एक तो स्वयं मालिक थे, शेष 3 मजदूर थे। उसमें मजदूर जो है वो राम सेवक उर्फ पप्पू पुत्र, क्या नाम था उसका, रतिराम थे लगभग पे। वो एकाएक नीचे गिरे और उनका सर जो है ईंट से टकराया, उनकी डेथ हो गई। शेष 3 भी नीचे गए, लेकिन चूंकि जाके कच्ची जमीन पर गिरे इसलिए जो है वो घायल हुए हैं। इन घायलों को जो है सिकुआबाद के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। मैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य सबूर अली, मैं आप सबको UP24 न्यूज के माध्यम से पूरे देशवासियों को, जनपद वासियों को ईद के मुबारक मौके पर सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और हम लोग इस बार इस ईद के मौके पर पुराने गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे से गले मिलने का काम करें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये देश, गंगा जमुना का ये देश, हम चाहते हैं कि इस बार फिर एक नई खुशियों के साथ में पुराने गिले शिकवे मिटाकर आपस में गले मिलने का काम करें। मैं इसी तरह साथ में आपको एक बार फिर दिल की मुबारकबाद देता हूं, ईद की मुबारकबाद देता हूं। मैं अनवार अहमद, अरिस्टो डीलर, व्यापार मंडल, जिला संगठन मंत्री, फिरोजाबाद। सभी देशवासियों को और नगरवासियों को हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए ईद और दशहरे की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुस्लिम बंधुओं, विशेषकर रोजेदारों को ईद की शुभकामनाएं।